अभी आप लोगों के सामने सोमनाथ मंडल ने कुछ बहुत अच्छी बात कही कि महात्मा गांधी एक नशामुक्त भारत की उम्मीद करते थे। वो चाहते थे कि भारत में नशा जो एक अभिशाप बन चुका है, जिसके कारण भारत के अनगिनत परिवार इसके कारण जो है बर्बाद हो चुके हैं, आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से। अगर एक उज्ज्वल भविष्य की, एक उज्ज्वल भारत की कामना करनी है तो हम लोगों को नशामुक्त भारत बनाने की ओर प्रयास करना चाहिए। आगे मैं श्यामा परवीन को आमंत्रित करता हूँ। वायर अपनी बात करें। ओके अदिति, माननीय प्रधानाध्यापक, शिक्षकों और प्रिय सहपाठियों को मेरा सुप्रभात। मेरा नाम श्यामा परवीन है, मैं कक्षा बी ए सेमेस्टर 1 की छात्रा हूँ। आज हम सभी हमारे प्रिय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों के भारत पर अनेक चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। महात्मा गांधी के अनेक स्वप्नों में स्वच्छ भारत का स्वप्न शामिल था। आज तक पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है। इसे पूरा करने के लिए माननीय वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी गांधी जी के अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए अनेक योजनाएं बनाई। इस योजना को स्वच्छ भारत अभियान का नाम दिया है। महात्मा गांधी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़कर मां भारत को आज़ाद कराया। आज हमारा कर्तव्य है कि गंदगी को दूर करके भारत माता की सेवा करें। मैं शपथ लेती हूँ कि मैं स्वयं स्वच्छता के प्रति सजग रहूँगी, इसके लिए समय दूंगी। सबसे पहले मैं स्वयं मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूँगी। मैं यह मानती हूँ कि दुनिया के जो भी देश स्वच्छ दिखते हैं उसका कारण यह है कि वहाँ के नागरिक गंदगी नहीं करते, ना होने देते। मुझे मालूम है कि ये स्वच्छता की तरफ बढ़ाया गया मेरा कदम पूरे भारत देश को स्वच्छ बनाने में मदद करेगा। इस समय इसके साथ में मैं भाषण समाप्त करती हूँ। सहपाठी श्यामा परवीन ने स्वच्छता को लेकर के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही और साथ ही साथ उन्होंने अपने माध्यम से या अपने शब्द के माध्यम से ये कहना चाहती है कि आज हम लोग एक स्वच्छता को लेकर के एक ऐसा शपथ लें, एक ऐसी प्रतिज्ञा करें कि हम लोग ना ही स्वयं जो है गंदगी फैलाएंगे, ना ही अपने परिवार के द्वारा गंदगी फैलाने देंगे। और इस तरीके से अगर हम लोग स्वयं अपने परिवार और अपने समाज के माध्यम से अगर पहल करें और साथ ही साथ जहां जिस अवस्था में जो कोई है उस अवस्था से अगर लोग अपना पहल करना शुरू कर दे तो एक ना एक दिन भारत जो है पूर्ण तरीके से स्वच्छ बन जाएगा। और जिसके कारण जो भारत की जो रेवेन्यू है उसका जो लगभग आज के ज़माने में लगभग माना जाता है कि वर्तमान आंकड़े के अनुसार लगभग 35% भारतीय बजट का स्वास्थ्य पे खर्च किया जाता है। और ये सरकारी बजट नहीं है बल्कि ये आम जनता का जो बजट होता है, मतलब उसकी आय का जो बजट है। गवर्नमेंट की तरफ से तो 2% भी उसकी बजट का जो है वो स्वास्थ्य पे खर्च नहीं किया जाता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो 35% आम जनता का, उसकी आमदनी का जो 35% हिस्सा उसके स्वास्थ्य पे चला जाता है, इसको हम लोग बचा सकते हैं अगर हम लोग अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें, ताकि जो हम लोग निरोग रहें। और जब निरोग रहेंगे तो किसी भी डॉक्टर के पास हम लोगों को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए इसके साथ ही अब आज का ये जो सेमिनार अतिथि बैठो। हम अपने पर
है अल्लाह। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग पर यह कहानी थी कि एक ऐसे महान व्यक्ति थे जिन्होंने मानवता की समझ थी। उनकी जिंदगी ने मुझे बचपन से ही प्रेरित किया है। गांधी जी के सपने के भारत के अनमोल विचार अपनी जिंदगी में प्रेरणा के लिए मैं हमेशा गांधी की तरफ देखता हूँ, क्योंकि वह बताते हैं कि खुद में बदलाव कर साधारण व्यक्ति की असाधारण काम कर सकता है। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर हमें सपोर्ट करेंगे ताकि इस तरह के और भी वीडियोस बनाकर हम अपलोड कर सकें। इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इस प्रकार की और भी वीडियोस आपको उपलब्ध हो सके। बेल आइकन को भी दबा देंगे। कुछ कमेंट करना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद। वंदे मातरम। भारत माता की जय।